नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवाणी। सबसे पहले बात सकती की अपहरण कांड में बड़ा खुलासा हुआ है। सीएचओ ने अपहरण की रची झूठी कहानी। आशिक संग मिलकर ये कहानी रची गई थी। पुलिस ने मामले का खुलासा किया है। प्रेमी ने भाई से मांगी 15 लाख रुपए की फिरौती। पुलिस ने सीएचओ, युवती और एक शख्स को हिरासत में लिया है। तो अपहरण कांड, ये पूरा मामला सामने आया था सीएचओ से जुड़ा, और ये अब बड़ा खुलासा हुआ है कि ये साजिश रची गई थी। पैसों की मांग की गई थी, फिरौती मांगी गई थी, और ये पूरा घटनाक्रम जो था, ये पूरा जो मामला था, ये रचा गया था, साजिश थी। कि अनुपमा जलतारे का किसी के द्वारा अपहरण कर लिया गया है, जिसकी रिपोर्ट पर यहाँ अपराध पंजीबद्ध किया गया। थाना सख्ती में टीम गठित करके तत्काल टीम के माध्यम से त्वरित कार्रवाई की गई, और अभी शाम को लड़की का पता चल गया है और उसको बिलासपुर टीम की मदद से बरामद किया गया है और उसको अभी लेकर आ रहे हैं। उसमें अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। तो सीएचओ, युवती और एक शख्स को हिरासत में लिया गया है। फिलहाल इन्हें इनकी हिरासत में ले लिया गया है, गिरफ्तारी इनकी हो चुकी है। पर ये बड़ा खुलासा, आपको बताएं कि इन्होंने खुद साजिश रची थी अपने अपहरण की, और पैसों की मांग भी इनके द्वारा की गई थी। ज्यादा जानकारी के लिए कैलाश हमारे साथ जुड़ गए। कैलाश, अपहरण की साजिश रची गई और अब यह बड़ा खुलासा, इनकी गिरफ्तारी भी, क्या ज्यादा जानकारी? प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही परिवार को किडनैप का एक झूठी साजिश रखी, और भाई को अपने प्रेमी के एक दोस्त के साथ इस तरह के फोन करके फिरौती मांगना, और 15 लाख रुपए की फिरौती मांगा जा रहा था, और इस पर उनके भाई के द्वारा रिपोर्ट लिखा गया, और रिपोर्ट पर तत्काल एसपी अंकिता शर्मा के नेतृत्व में अब उन्होंने महिला अपराध पर तत्काल संज्ञान लेते हुए, त्वरित कार्रवाई करते हुए उन्होंने जांच पड़ताल चालू कर दी, और जांच पड़ताल में वो बिलासपुर के पुलिस के माध्यम से वो बिलासपुर में युवती और उनके प्रेमी को हिरासत में लिया, और पूछताछ में खुलासा और होनी है कि उनके साथ कौन कौन शामिल है इस षड्यंत्र में। चूंकि एक युवती अपने प्रेमी को पाने के लिए इस तरह के षड्यंत्र रचना, और वो शासकीय सेवक रहे हैं और इस तरह की गतिविधि में शामिल होना बहुत बड़े एक षड्यंत्र था। इस पर पूरे जो क्षेत्र में महकमा में हड़कंप मच गया था युवती की किडनैप के झूठी कहानी पर, और अभी लगातार इस पर जांच चल रही है। पुलिस जो है अपने हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है कि आखिर क्या कारण रहा इनको इस झूठी कहानी रचने के लिए। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया कैलाश जी। अंबिकापुर में बेकाबू कार ने लोगों को टक्कर मार दी। नेशनल हाईवे 130 पर सब्जी खरीद रहे लोगों को टक्कर मारी। कार की टक्कर से 5 लोग घायल हो गए। सभी घायल सिंगीटाना गांव के रहने वाले हैं। लखनपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में सभी भर्ती हैं, सभी का इलाज जारी। तो बेकाबू कार ने लोगों को टक्कर मारी और बुरी तरह से लोग घायल हो गए। सभी का इलाज अस्पताल में जारी है, घायल हैं। और ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी श्रवण हमारे साथ जुड़ गए हैं। श्रवण, बेकाबू कार ने लोगों को टक्कर मारी, कितने लोग इसका शिकार हुए, कितने गंभीर रूप से घायल हैं, जानकारी? जी, लखनपुर थाना क्षेत्र से सिंगीटाना जो है नेशनल 130 किनारे सब्जी बेच रहे, सब्जी खरीदने गए जो लोग थे उसके ऊपर बेकाबू कार ने टक्कर मार दी। वहाँ पर सब्जी खरीद रहे लोग सिंगीटाना के लोग थे, करीबन 5 लोग वहाँ पर सब्जी खरीद रहे थे, और जैसे ही बेकाबू कार ने टक्कर मारी उसके साथ ही अफरा तफरी मच गई, और कार के चालक को भी पकड़ लिया गया। लखनपुर थाना पुलिस भी वहां पर पहुंची थी, कार को जब्त करके लखनपुर थाना लेके गई, लेकिन 108 की मदद से जो घायल थे उनको सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लखनपुर में भर्ती कराया गया, जहाँ इलाज चल रहा है। हालांकि ये जो बताया जा रहा है कि ये जो कार थी वो बिलासपुर से अंबिकापुर जा रही थी, और इसकी वजह क्या थी या नशे में थे ये चालक, ये सब चीज की जांच जो है लखनपुर पुलिस अभी फिलहाल कर रही है। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए। देवास में जिला अस्पताल की लापरवाही मामले में महिला डॉक्टर का बयान सामने आया। डॉक्टर का कहना है कि डिलीवरी के दौरान ज्यादा ब्लीडिंग होने पर पैड लगाया जाता है, जिसे 6 से 12 घंटे बाद निकाला जाता है। पेशेंट को भी जानकारी दी जाती है, स्टाफ इस बारे में जानकारी देते हैं, पेशेंट को 5 दिन के अंदर फॉलोअप
करने को कहा जाता है, लेकिन मामले में पेशेंट काफी दिन बाद अस्पताल पहुंची थी। डॉक्टर का कहना है कि इस बात की जांच हो रही है कि पेशेंट को जानकारी दी गई थी या नहीं। वहीं इस मामले में पेशेंट के पति ने पेट में कपड़ा छोड़े जाने के आरोप लगाए थे और अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही के आरोप भी लगाए थे। के लिए कई बार बहुत स्पंज लगा देते हैं उसको प्रेशर से बंद करने के लिए कि ब्लीडिंग हो रहा है, और थोड़े टाइम के लिए उसको छोड़ देते हैं लगा के, 6 से 12 घंटे के लिए रहता है कि जिससे ब्लीडिंग कंट्रोल हो जाए। और पेशेंट को भी बोल देते हैं, अटेंडर को भी बोल देते हैं कि पैड लगाया हुआ है, इसको निकालना है या कोई दिक्कत है तो हमको बताना है, वो सब उनको इन्फॉर्म कर देते हैं, पर पेशेंट ने ध्यान नहीं दिया उस पर। अगर आप मध्य प्रदेश में रहते हैं और इस बात का भरोसा रखते हैं कि डर की क्या बात है, एमपी पुलिस है ना, तो आपको ये खबर इसी भरोसे पर एक बार फिर से सोचने के लिए मजबूर कर देगी। सवाल पुलिस के व्यवहार, उसकी कार्यशैली दोनों पर है। देखिए ग्वालियर और सीहोर से आई इस खबर को। ये वायरल वीडियो सीहोर का है, जहां मारपीट के एक मामले की रिपोर्ट लिखाने पहुंचे एक शख्स को धक्का मारकर थाने से बाहर कर दिया गया और इसी धक्के से बेहोश हुए शख्स ने सोनकच्छ में देर रात दम तोड़ दिया। दरअसल जावर थाना इलाके में पड़ने वाले कान्याखेड़ी गांव में जमीन विवाद को लेकर एक ही समाज के लोगों में देर शाम मारपीट हुई। इसकी शिकायत दर्ज कराने बलवान नाम का शख्स थाने गया था, लेकिन उसे धक्का देकर बाहर कर दिया गया। थाने पे हमारे साथ धक्का मुक्की हुई और उन्होंने हमको बाहर कर दिया थाने से कि हमें इतने लोगों के नाम नहीं लिखूंगा। फिर बाद में जब हमने बोला TI साहब वहाँ थे नहीं, वहाँ पे ये तीनों लोग थे और उनको बोला कि आप बात कर लो। कौन अधिकारी थे वहाँ पे? तीन लोग थे, उनके नाम मेरे को नहीं मालूम है, अब ये वो नाम आप पता कर लेंगे। वहीं किरकिरी हुई और वीडियो जब हर तरफ घूमने लगा तो SP मयंक अवस्थी ने सब इंस्पेक्टर अनिल डोडियार, प्रधान आरक्षक भरत राम और आरक्षक अर्जुन को सस्पेंड कर दिया। फिलहाल मामले की जांच SDOP को सौंपी गई है। सर, ये जो सामने वाला पक्ष था उसमें अपराध क्रमांक 229 सुसंगत धारा में पंजीबद्ध किया गया है, इसमें 302 धारा बढ़ाई जाएगी और आगामी जो भी आरोपी थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया और आगामी कार्रवाई की जा रही है। लेकिन फरियादियों के साथ केवल सीहोर पुलिस का ही व्यवहार सवालों में नहीं है। ग्वालियर में 2 ही दिन पहले आरोप लगा कि ठगी के एक मामले की जांच सही से न होने पर दतिया के पीड़ित ने CSP से गुहार लगाई थी। इस पर फरियादी विवेक को उपनगर थाने में फिर से भेजा गया, लेकिन विवेक का यह कहना है कि थाना प्रभारी ने उससे कहा कहीं जाकर मर क्यों नहीं जाते। सुनिए जरा विवेक को। मैं TI साहब के पास आया, TI साहब ने मेरी बच्चों के साथ मेरी मिसेस के साथ मारपीट करी, बदतमीजी की और मेरे से बोला कि तू मर जा, फांसी लगा ले, अधिकारी को परेशान कर दिया, मेरे को परेशान कर दिया, तो इसके कारण मैंने ये कदम उठाया। और क्या किया आपने? मैंने पेट्रोल अपने शरीर पर डाली और मेरे को भाई लोग बचाते नहीं तो मेरी आत्महत्या आज हो गई थी। वहीं इस मामले में जिस थाना प्रभारी पर आरोप लगे वो क्या सफाई दे रहे हैं वो भी जान लीजिए। SP साहब के यहाँ थे तो हम लोग भी जन सुनवाई कर रहे थे, तो आते ही इनने आंखों से तोके बोला हमारा काम नहीं होगा। क्या हुआ, वो सीधा आके अपनी प्लास्टिक की बोतल में थैले में लेके आए और पेट्रोल उसमें ऊपर डाल ली। मैंने तत्काल देखा ये ऊपर आए तो तत्काल उनको मैंने पकड़ाया और उसको शांति व्यवस्था करने के लिए बैठाया और समझाने लगा। लेकिन ग्वालियर का उपनगर थाना ही नहीं, ग्वालियर के पड़ाव थाने की कार्यशैली पर भी सवाल हैं। बीते दिनों एक व्यापारी की कार से हुई जेवरात की चोरी के मामले की छानबीन करते हुए पुलिस ने दीपक नाम के एक ऑटो चालक को पकड़ लिया। पुलिस पर आरोप है कि पूछताछ के नाम पर बेरहमी से न केवल पीटा गया बल्कि उसके पैर की उंगलियां तक तोड़ दी गई और ग्लास में भरकर पेशाब भी पिलाई गई। लेकिन जब पुलिस उसे चोर साबित नहीं कर पाई तो शांति भंग का केस दर्ज कर उसे छोड़ दिया गया। फिर उसके बाद में मुझे रात को 1:30 बजे छोड़ दिया मारपीट के। हाँ, 1:30 बजे छोड़ दिया। फिर उन्होंने 24 तारीख को फिर बुलाया मुझे, फिर मुझे मालेगा ठाटीपुर क्राइम ब्रांच ऑफिस। चाबी है इनका और उन्होंने पुलिस वालों ने बहुत मारा है इसको। आप
इंसाफ दिलाया जाए इसको। इधर पुलिसकर्मियों पर गंभीर आरोप लगने के चलते मामला बिगड़ गया, लिहाजा एसपी ने एएसपी को जांच का जिम्मा सौंपा है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान ऑटो चालक और जो भी उसमें उसके साथ में सीसीटीवी कैमरे में देखे गए उनको पूछताछ के लिए बुलाया गया था। कई सारी चीजें घटना के संबंध में पूछताछ में संज्ञान में आई है, जिससे पूरी संभावना है कि इस हमारा वर्कआउट होगा। तो गाड़ी जब पंचर हुई थी, पंचर होने के तथ्य भी उन्होंने बताया था कि किस प्रकार से पंचर हुई है, अभी पूरा वर्कआउट केस नहीं हुआ है, पुलिस इस पर इन्वेस्टिगेशन कर रही है। तो देखा आपने, सीहोर में फरियादी को पुलिस धक्के मारकर निकाल रही है, तो ग्वालियर में आरोप ये कि पुलिस फरियादी को कहीं जाकर मर जाने को कह देती है। और तो और, अकेले अपने 5 साल के बच्चे को पाल रहे एक मजबूर ऑटो चालक को बिना सबूत के ना केवल पीटती है बल्कि पेशाब तक पिला देती है। क्या आपको अब भी भरोसा है कि डरने की क्या बात है, एमपी पुलिस है ना। न्यूज 18 के लिए सीहोर से प्रदीप चौहान के साथ ग्वालियर से सुशील कौशिक की रिपोर्ट। और अब बात जबलपुर की, जहां पत्नी की हत्या के दोषी पति को कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। वारदात के 4 साल के बाद कोर्ट ने दोषी को यह सजा सुनाई। आपको बता दें कि पाटन थाना क्षेत्र के मेड़ी झामर में 6 जनवरी 2020 को चरित्र शंका की वजह से एक महिला की हत्या उसके पति ने कर दी थी, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था। रायसेन में अवैध रेत खनन को लेकर प्रशासन ने कार्रवाई की। एसडीएम ने पुलिस के साथ ही खदान पर छापा मारा और इसी दौरान खनन माफिया में हड़कंप मच गया और वो ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर भागने लगे। इस दौरान 2 ट्रैक्टर ट्रॉली को प्रशासन ने पकड़ लिया। ग्रामीणों का कहना है कि रेत खदान पर अवैध तरीके से रेत का खनन किया जा रहा है। यही नहीं, खनन करने वाले गांव की महिलाओं से बदसलूकी भी करते हैं। ग्रामीणों की शिकायत के बाद प्रशासन ने यह कार्रवाई की। ये कौन कहता है? ये लोग कहते हैं दारू पी के रेत उठा रहा है, कह रहा है। अब हम तो गरीब आदमी और गांव से निकल रहे हैं, अब प्रशासन जाने क्या करता है। प्रशासन ने कई बार शिकायत कर चुके, साहब बदान आए थे तो 3 बजे को हमें बुला दो, 1:30 बजे एसडीएम साहब हमें बुला कर निकल गए। जानकारी प्राप्त हुई है कि कुछ ट्रैक्टर अवैध उत्खनन कर रहे हैं, तो तहसीलदार साहब, टीआई साहब और संपूर्ण दल के साथ आकर देखा तो 2 ट्रैक्टर छोड़कर भाग गए थे। तो गांव वालों के सहयोग से उनके ट्रैक्टर लेकर के भरे हुए रेता के जो ट्रॉली है उन्हें थाने की ओर ले जा रहे हैं। एक ट्रैक्टर रवाना हो गया, दूसरा रवाना कर। ग्वालियर में कथावाचक धर्मेंद्र झा ने सुसाइड कर लिया। सुसाइड से पहले कथावाचक ने वीडियो बनाया, भाई को भेजा। इस वीडियो में धर्मेंद्र झा ने पत्नी पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने पत्नी पर प्रताड़ित करने के आरोप लगाए। धर्मेंद्र झा ने 1.5 साल पहले लव मैरिज की थी, ये उनकी दूसरी शादी थी। वीडियो में कथावाचक ने कहा कि पत्नी ने दोस्त छुड़ा दिए, काम धंधा छुड़ा दिया, मां जैसी भाभी पर आरोप लगाए, अपनी दोनों पत्नियों को कड़ी सजा देने की मांग की। साथ ही ये भी साफ किया कि उनकी जो सारी चीजें हैं पर अधिकार सिर्फ घर वालों का होगा। जनकगंज इलाके की ये पूरी घटना है। सुबह पत्नी ने शव को पंखे से लटका हुआ देखा था। उधर पुलिस ने मामला दर्ज किया है, जांच शुरू कर दी। कानून ने औरत को इतनी छूट दे दी है कि वो कभी भी किसी भी मर्द को फंसा सकती है। मैं एक बात पूछता हूँ कि सिर्फ आदमी ही दोषी है हर बार? आज मैं आत्महत्या कर रहा हूँ, अगर कानून की, अगर अंधा कानून नहीं है, अगर थोड़ी सी भी आँखें खुली हैं तो मैं एक गुहार लगा रहा हूँ कि इन दोनों को कड़ी से कड़ी सजा दें। सूचना प्राप्त हुई थी कि ढोलीबुआ पुल के पास में जो पत्तल वाली गली है उसमें एक व्यक्ति द्वारा फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली गई है। इस संबंध में जो है पुलिस मौके पर पहुंचकर उसमें प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया गया है। अभी तक जो जांच की गई है उसमें ये पाया गया है कि मृतक जो है वो धर्मेंद्र झा, जिनकी 36 वर्ष की उम्र है, सिंगर हैं और इनकी दूसरी शादी हुई थी। इनके द्वारा एक वीडियो जो है अपना भाई मोनू झा जो टेकनपुर में रहता है उसको वीडियो सेंड किया गया था। उस वीडियो में जो है अपनी पत्नी से प्रताड़ित होकर आत्महत्या करना उसमें बताया गया है। सारे जो तथ्य हैं को विवेचना में शामिल किया जाकर जांच की जा रही है। और अब बात भिंड की, जहां एक अनोखा मामला सामने आया। जहां से लापता हुई महिला का शव मिलने के बाद परिजनों ने उसका अंतिम संस्कार कर दिया, तो वहीं पुलिस इस हत्या की जांच में जुटी थी। लेकिन करीब 2 महीने बाद यह महिला भिंड पुलिस को उत्तर प्रदेश के नोएडा में
नौकरी करती मिली। आपको बता दें कि महगांव के पोरसा रोड पर अपने ससुराल में रह रही एक महिला अचानक 2 मई को गायब हो गई थी। इस घटना के बाद ससुराल वालों ने महगांव पुलिस थाने में पहुंचकर उसके लापता होने की रिपोर्ट दर्ज कराई, लेकिन कुछ दिनों बाद एक महिला का अजला शव मिला। जब शव की शिनाख्त कराई गई तो महिला के मायके पक्ष के लोगों ने उसकी पहचान करते हुए ससुराल वालों पर हत्या के आरोप लगाए। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि महिला ने लाडली बहना योजना की राशि निकाली है। फिर जब जांच की तो महिला नोएडा से मिली। जिसको सस्पेक्ट किया जा रहा था इसकी डेथ हो गई, उसके बैंक अकाउंट से हम क्योंकि लगातार उसको कर रहे थे, बैंक अकाउंट में ट्रांजेक्शन होना प्रतीत हुआ, तो उसी को हमने जब उसको मूव किया पीछे गए उसमें, तो देखा कि जहाँ से निकाला है वहाँ पे फिंगरप्रिंट्स यूज हुए, फिर उस महिला की फोटो वहाँ पे दिखाई गई, तो पता चला कि जो ये महिला थी ये वहाँ पे दिल्ली में रह रही है और इसको पुलिस ने उस संबंधित गुमशुदगी में मोह और महगांव की पुलिस ने दस्तियाब किया। अमेरिका से भी अच्छी